लगातार बढ़ते मामलों के कारण रेड जोन बने अजमेर जिले में कोरोना संक्रमण से पहली मौत सामने आई है। अजमेर के हॉटस्पॉट इलाका नला बाजार के रहने वाले विनोद को मधुमेह और किडनी फेलियर की शिकायत भी थी, जिसके कारण उसे गंभीर अवस्था में वेंटिलेटर पर रखा गया था। लगातार 4 दिन वेंटिलेटर पर इलाज के बाद कोरोना वायरस मरीज विनोद की आज मौत हो गई। मामले की सूचना के बाद चिकित्सा महकमे ने तमाम व्यवस्थाएं कर दी हैं और शव को मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखा गया है। मामले की जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय विनोद को नाला बाजार के रहने वाले पहले संक्रमित बलराज के संपर्क में आने के बाद जेनल अस्पताल में 22 अप्रैल को भर्ती कराया गया था, जहां 27 अप्रैल को उसके पॉजिटिव होने की रिपोर्ट आई और उसके पहले से ही उसे डायबिटीज और किडनी की समस्या के चलते इलाज मुहैया कराया जा रहा था। इसी दौरान हालात गंभीर होने के बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां आज उसने दम तोड़ दिया। जिले में पहली मौत होने के बाद अब प्रशासन ने और कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वह इसके साथ ही मृतक विनोद के संपर्क में आए लोगों पर नजर रखी जा रही है। अजमेर में अब तक 164 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से ही पहला मामला है जहां मौत की खबर आई है। मामले की जानकारी देते हुए कोविड-19 जेनल अस्पताल प्रभारी डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने बताया कि अजमेर के लिए दुखद खबर आई है। तमाम प्रयास व इलाज के बावजूद विनोद कुमार को नहीं बचाया जा सका। मृतक का पूरा परिवार सुरक्षित है। विनोद कुमार के हालात गंभीर होने के बाद उनकी मौत हुई है, जिसे लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई है। बहुत दुखद खबर है। हमारी सारी कोशिशों के बावजूद भी आज हमारा एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट, उनका दुखद निधन हो गया। नला बाजार निवासी 45 वर्षीय थे और उनके करीब फैमिली के काफ़ी लोग पॉजिटिव हैं, वो हमारे वार्ड में भर्ती हैं, बाकी सब लोग स्वस्थ हैं, लेकिन इनकी बीमारी जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाई और अंततः उनका दुखद निधन हो गया। इनको डायबिटीज़ भी थी जो अनकंट्रोल्ड थी, डायबिटीज़ की वजह से कीटोएस्टोसिस भी इनको हो गया था और उसकी वजह से इनकी किडनी भी कमज़ोर हो गई थी काफ़ी। किडनी कमज़ोर होने के बाद हमने इनका सक्सेसफुल डायलिसिस भी किया, वो शायद मेरे ख्याल से कोरोना पॉजिटिव का पहला डायलिसिस था, और उसके बाद इनकी किडनी काफ़ी थोड़ी ठीक हो गई थी, लेकिन आज काफ़ी कोशिशों के बावजूद इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आ पाया। काफ़ी सारी दवाइयाँ लगाईं, सब तरीके कोशिश की और लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आने की वजह से इनका आज दुखद निधन हो गया। और भी इनको कई प्रॉब्लम थी कि इनका सेप्टिसीमिया भी हो रहा था, इनके ब्लड काउंट्स काफ़ी बढ़े हुए थे, इन्फेक्शन भी कंट्रोल नहीं आया था, सारी तरह की दवाइयाँ वगैरह दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो उनका शांत हो गए। हमें बहुत दुख है। कब भर्ती हुए थे और कितने? पिछले 7 दिन से हमारे यहाँ भर्ती थे और लगातार, वैसे तो शुरू में काफ़ी ठीक रहे, लेकिन पिछले 4 दिन से इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसके बाद कंट्रोल, काफ़ी कोशिशों के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पाए। सर, इनके जो संपर्क में आए, किसके संपर्क में ये आए थे, जिनसे इनको हुआ, उनकी और आसपास के लोगों की क्या स्थिति है? बाकी सब लोग जो इनके परिवार वाले भी, इनके पिताजी, इनकी माताजी, वो ठीक हैं। इनकी वाइफ जो है कोरोना नेगेटिव थी, लेकिन उनको क्वारंटीन सेंटर में भर्ती कराया गया क्योंकि डायरेक्ट पॉजिटिव के केस में कॉन्टैक्ट थी, तो उनको वो क्वारंटीन सेंटर में है। मदर फादर उनके हमारे यहाँ भर्ती हैं। कौन, किसके संपर्क से आए थे? ये नला बाजार का एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं जी, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं। अभी कोई अंतिम संस्कार सर प्रशासन करेगा या परिजन आ पाएंगे? नहीं, अभी हमने इनके परिजनों को सूचना दे दी है, हमने इनके परिजनों को सूचना दे दी है। अगर वो चाहेंगे तो हम प्रशासन भी इनका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार है, और अगर वो लोग चाहेंगे तो जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस हैं, बॉडी को बॉडी बैग में रैप करा जाएगा, और बॉडी बैग में रैप कर दिया गया है, मॉर्चरी शिफ्ट कर दिया गया है, इसके लिए स्पेशल बॉडी बैग होता है, उसमें शिफ्ट करके रैप करके उनको भेज दिया गया है और उसके ऊपर हाइपोक्लोराइड का स्प्रे कराया गया है बॉडी ऊपर, जिससे कि उनके जो शव से किसी दूसरे को इन्फेक्शन होने की कोई संभावना नहीं है। सर, अब तक कितने मामले पॉजिटिव के आ चुके हैं? 164 संख्या हो गई हमारी। ये जो दो मामले जो कल हमारे यहाँ पॉजिटिव आए थे, दो मामले, एक तो हमारे जनाना अस्पताल में भर्ती थी अंदरकोट निवासी महिला, उसको प्रसव के दौरान उसका टेस्ट कराया गया, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि किसी भी ऑपरेशन से, सीजरियन डिलीवरी से पहले टेस्ट होना चाहिए, तो उसका पूरी प्रिकॉशन से सीजरियन डिलीवरी हुई और वो उसकी रिपोर्ट जब आई तो पॉजिटिव आई और उनको हमने शिफ्ट हमारे जेएलएन अस्पताल में कर लिया है। और दूसरा जो है वो जो पेशेंट है वो पुराना, एक उसके जो परिवार ऑलरेडी हमारे यहाँ भर्ती है, वो भी महिला हैं और उसको भी फिर तकलीफ हुई और उनको आईएलआई सिम्टम पॉजिटिव आए, तो उनको हमारे यहाँ भर्ती करा, उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आया। दो महीने तक की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, आने में ड्यू है, कभी भी आ सकती है। अभी कुल मिला के हमारे पास 164 पॉजिटिव अजमेर में आ चुके हैं और उसमें से आप ये देखिए 27 पेशेंटों को हम अपने होम क्वारंटाइन, नेगेटिव होने के बाद में उनको क्वारंटाइन में शिफ्ट कर चुके हैं।